अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर पोल्यूटेंट एंड देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन ऑर्गन्स। मीन की एयर पोल्यूटेंट की प्रॉपर्टीज क्या है, उनके ह्यूमन ऑर्गन्स पे इफेक्ट्स क्या है। अब सबसे पहले है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रॉपर्टी में सबसे पहले कि कलरलेस है, इसमें कोई कलर नहीं है, ऑडरलेस है, इसकी कोई स्मेल नहीं है और ये पॉइजनस गैस है। अब ह्यूमन ऑर्गन्स में मेन दो ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है कि ब्रेन और एक लंग्स। अब ब्रेन में इस तरह इफेक्ट करेगी, आपको हेडेक कॉज करेगी, ठीक है, और ये आपका ब्रेन डैमेज करेगी, और लंग्स केस में आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारे ब्लड में पहुंचती है तो ये मेनली हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है, ठीक है, और ये उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है, मीन्स ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने की कैपेसिटी, ये उसको कम कर देती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड। ये कलरलेस गैस है और इसकी इरिटेटिंग स्मेल है, मतलब कि ये ऑर्डर रखती है। ये हमारे पास मेनली रेन वाटर में डिजॉल्व हो जाती है और एसिड रेन में ये मीन्स की मौजूद होती है। अब जो सल्फर डाइऑक्साइड एक्सपोजर है, मीन्स के जब आप सल्फर डाइऑक्साइड किसी भी आप जगह इन्वायरमेंट मौजूद है और वहाँ इन्वायरमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद है, आप उसके एक्सपोजर पे, तो वो आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, नमोनिया और लंग कैंसर कॉज कर सकते हैं। ब्रीथिंग डिफिकल्टी मीन्स कि आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, नमोनिया एक कंडीशन है, और लंग कैंसर में से आपको लंग का कैंसर हो सकता है। उसके बाद है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अब ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जितने भी हैं वो तमाम के तमाम टॉक्सिक गैसेस हैं, ठीक है, ये भी रेन वाटर में डिजॉल्व होती हैं और एसिड रेन कॉज करती हैं। ये मेनली हमारे लंग्स पे इफेक्ट, हमारे लंग्स को अफेक्ट करती हैं, उनको डैमेज करती हैं। ये आप देख सकते हैं, मतलब कि जो फैक्ट्री से या इंडस्ट्रियल एरिया से जो स्मोक प्रोड्यूस होता है, जिसके अंदर नाइट्रोजन के ऑक्साइड मौजूद होते हैं, वो हमारे लंग्स को इस तरह अफेक्ट करते हैं, उसको फुली ब्लैक कर देते हैं। अब ह्यूमन इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट, मतलब कि हमारी एस ह्यूमंस के कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं या उसको पोल्यूट करती हैं। सबसे पहले बर्निंग ऑफ फ्यूल, मतलब कि आप गाड़ियों में फ्यूल यूज़ करते हैं, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ व्हीकल, बहुत ज़्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल, एरोसोल्स जो आप स्प्रे यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स जो खाद यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स जो आप कीड़े मार दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, या पेस्टिसाइड जो आप जड़ी बूटी को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन में मीन्स कि आप जंगल को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देते हैं, उसकी लकड़ी को सारा इस्तेमाल कर लेते हैं, काट देते हैं, ये इन्वायरमेंट को बहुत, ये सारे के सारे प्रोसेस, ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं, ये इन्वायरमेंट को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसका हम नेक्स्ट में एक्सप्लेन करेंगे। ये सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है कि जब सनलाइट सरफेस ऑफ अर्थ पे फॉल करती है तो वो मीन्स कि उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, एज अ पार्ट ऑफ हीट एनर्जी वो उसको रिफ्लेक्ट बैक करती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। कुछ गैसेज जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं वो उस हीट को अपने अंदर ट्रैप कर लेती है, ठीक है, और जो लाइट होती है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। जो हीट है वो हमारी आउटर सर्फेस में मौजूद रह जाती है और जिसकी वजह से जो इसके अर्थ की जो सर्फेस है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। आपको कौन कौन से गैसेज हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल करते हैं, मीथेन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और वाटर वेपर्स। ये मीन्स कि हमारी अर्थ के आउटर सर्फेस में मौजूद होते हैं और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की मेन रोल प्ले करते होते हैं। अब आप ये देखें, सन की लाइट आ रही है, इसमें हीट भी है। अब ये एटमॉस्फेयर है जिसके अंदर वो ग्रीन हाउस की गैसेस मौजूद हैं, ठीक है। अब लाइट आके रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, लेकिन जो हीट है ये उसको अपने अंदर ट्रैप कर लेंगी और अर्थ का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ा देंगी। ये जितनी भी गैसेज हमने पढ़ी हैं, जो मीथेन थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, या वाटर वेपर्स थे, या ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन थे, ये सब की सब ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं, ठीक है, और जो फिनोमेना ये कॉज करती हैं उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब ह्यूमन इफेक्ट्स का एनवायरनमेंट पे एक और मीन्स इफेक्ट हुआ है, ओजोन डिप्लीशन। अब एक हमारी अर्थ के लिए देखो ओजोन की लेयर है, ठीक है, ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, जो मीन्स के अर्थ की अपर एटमॉस्फेयर में मौजूद है, ठीक है, और वो यूवी रेज, जो सन से यूवी रेज आ रही है उसको मेनली स्टॉप करती है। इस तरह जो इंसान मीन्स के अर्थ पे रह रहे होते हैं वो यूवी रेज से सेफ रहते हैं, मीन्स के सन की तरफ से आ रही होती है। अब जो हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ करते हैं, मीन्स के जो एरोसोल्स रेफ्रिजरेटर्स में मीन्स के उनकी वजह से जो प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है,
वो उसकी डिप्लेशन कॉज करती हैं, मतलब कि जब ये ओजोन लेयर पे पहुंचती हैं तो ओजोन की जो थिकनेस होती है थिन कर देती हैं, ठीक है, और ओजोन डिप्लीट हो जाती है, मीन्स कम हो जाती है, और उस फिनोमेनन को ओजोन डिप्लीशन कहते हैं। अब जब ओजोन की लेयर थिक हो जाएगी तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो सन होगी वो पास हो जाएंगी और अर्थ की तरफ पास, मतलब कि वो पहुँचना शुरू हो जाएंगे, और जिससे सीरियस डिजीज लाइक स्किन कैंसर या आई प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगे। ये अल्ट्रा वायलेट रेज अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा भी सकती है, ये आप देख सकते हैं सूरज की तरफ से आ रही है, मीन्स के अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ओजोन लेयर मौजूद है, अभी ओजोन लेयर उनको स्टॉप कर रही है, लेकिन चूँकि हम सी एफ सी मीन्स के यूज़ कर रिलीज करें इन्वायरमेंट में लगातार एरोसोल्स या रेफ्रिजरेटर के थ्रू, तो वो ओजोन लेयर में एक ओजोन होल क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अंदर आ जाती है।